वरुण सिंह जी से बात करेंगे कि आप राजद के बड़े नेता हैं, तो इस संबंध में क्या कहिएगा, किस तरह स्तर से आपकी तैयारियां चल रही है लोकसभा चुनाव को लेकर? सबसे पहले मैं आपके तमाम दर्शकों को और आपके चैनल से के माध्यम से देख रहे सभी भाई बंधुओं को नमस्कार करता हूँ। मान लिया जाए कि आपकी सरकार जो आरोप लगाई थी मनीष कश्यप NSA लगा हुआ था, तो अगर वो बांदा बेगुना है तभी उसको बेल मिली है, उसके जन समर्थन के आधार पे जिस तरह से उनके लोग में लोग सपोर्ट में आ रहे हैं, जिस तरह से भ्रमण कर रहे हैं, अभी तक जो भी वीडियो आप विजुअल देखे हुए हैं, तो सरकार क्या सरकार की कमी है या मनीष कश्यप असल में गुनाहगार? देखिए, मनीष कश्यप को बेल मिला है, अभी बेल मिला है, बाकी कानूनी प्रक्रिया अभी चालू है, तो अभी इसके बाद क्या होगा वो तो कानूनी प्रक्रिया में है, कोर्ट तय करेगा कि वो दोषी हैं कि नहीं हैं। और इसमें आप सरकार को काहे सम्मिलित कर रहे हैं, तो सरकार कानून ने अपना कार्य किया है, सरकार ने तो उनके खिलाफ कोई लड़ाई नहीं लड़ी है, तो आप सरकार को दोषी क्यों मान रहे हैं? कानून का काम है, जहाँ भी ऐसा होता है जो भी हमारे देश के खिलाफ होगा, जनता के खिलाफ होगा, कानून के विरुद्ध कार्य करेगा उस पर कानून कार्रवाई करेगा। वही कार्य उनके साथ भी हुआ है, अब वो एक यूट्यूबर और मीडिया वाले हैं इसलिए आप उनका सपोर्ट ले रहे हैं, आपको दुख लगा होगा, लेकिन हमको कानून पे भरोसा है, अगर वो दोषी नहीं होंगे। यूट्यूबर का बात नहीं है भैया, जैसे आप भी जनसेवा करते हैं, मनीष कश्यप भी जनसेवा करते हैं, आपको ये बात पता होना चाहिए। अगर एक बेटा, एक बिहार का लाल, अगर बिहार के समर्थन में किसी भी बात को उठाता है, शिक्षा को लेकर, बेरोजगारी को लेकर, तो क्या उसको गलत कहा जा सकता है? देखिए, बेरोजगारी और शिक्षा अगर खराब हुआ है, शिक्षा का हालत खराब हुआ है, तो एक दिन में खराब भी नहीं हुआ है और एक दिन में ठीक भी नहीं होगा, ठीक है? तो कोई भी चीज़ एक प्रोसेस के तहत उसको सही किया जाता है, और एक प्रोसेस के तहत ही वो खराब भी हुआ है, तो धीरे धीरे उसको सही कर लिया जाएगा, और उस पर बहुत काफ़ी तत्परता से काम हो रहा है, आपको मतलब दिख भी रहा होगा और आप देख भी रहे होंगे, हमारी सरकार बहुत तत्परता से उसके ऊपर कार्य कर रही है। मनीष कश्यप ज़्यादातर आप ही के पार्टी को टारगेट करते हैं, RJD जो है, तो क्या इस लोकसभा 24 में कुछ ही चंद बाकी रह गए, कुछ ही महीने बाकी रह गए, तो क्या प्रभाव डाल पाएंगे मनीष कश्यप चुनाव में? देखिए, मनीष कश्यप कोई मुद्दा नहीं है, मुद्दा बेरोजगारी है, अच्छा स्वास्थ्य सेवा देना है, अच्छा सड़क देना है, ये मुद्दा होना चाहिए, मनीष कश्यप कोई मुद्दा नहीं है। मनीष कश्यप एक आपके जैसा हमारे जैसा आम आदमी है, अगर वो अच्छा कार्य करेगा तो उनको अगर चुनाव लड़ना होगा तो आएंगे मैदान में, अगर आप बोल रहे हैं कि अच्छा सेवा करते हैं तो चुनाव लड़ के आएंगे, सदन में जाएंगे, अपनी बात पहुंचाएंगे। वरुण जी, तेजस्वी यादव आपके जो उप मुख्यमंत्री हैं, पार्टी के जैसे संरक्षक तो लालू यादव हैं, पर तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, तो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव हमेशा हर एक बात में युवा की बात करते हैं, प्राथमिकता देते हैं, तो मनीष कश्यप भी तो युवा हैं, कुमार हैं, सारे सुधा भी नहीं हुए हैं, तो आप भी तो उनके जैसे एजेंट हैं, तो क्या उनका समर्थन आपको नहीं करना चाहिए? किस मुद्दा पर समर्थन करना चाहिए? एक युवा बिहार को सुधारने चला है और अर्थव्यवस्था पर सवाल उठाता है, बेरोजगारी पर सवाल उठाता है, तमिलनाडु में बिहारी पीटे जाते हैं, कहीं ना कहीं जाकर वहाँ पे बिहारियों का आवाज़ उठाए। देखिए, एक दिन में जो आपको अभी मैं बताया कि जो व्यक्ति कमाने गया है वहाँ पे, घर खरीद कर रह रहा है, लारी चला रहा है, या जो भी मजदूरी कर रहा है, वो एक दिन में तो गया नहीं है, पलायन अपने यहाँ बहुत पहले से शुरू है, उसको धीरे धीरे रोका जा रहा है, नए नए अभी उद्योग लगाने के लिए अभी सम्मिट हुआ है बिहार में, वो अभी उसके बाद रोजगार लड़कों को प्राप्त होगा, सरकार नई नई योजनाएं चला रही है, आपको नए उद्योग कर्मी बनाने के लिए आपको गांव स्तर पे मतलब इंटर पास तक पे 10-10 लाख रुपए का लोन दिया जा रहा है, आपके गांव में 2-4 लोगों को मिला होगा, आप देखना, छोटे छोटे रोजगार शुरू करने के लिए सरकार इस पे बड़ी तत्परता से कार्य कर रही है, और 1-2 दिन में ठीक होने वाला नहीं है, हम लोग 12-13 करोड़ जनता है अपने बिहार की, पूरे बिहार की, तो 13 करोड़ लोग में अब ज़्यादातर लोग बाहर जा रहे हैं कमाने के लिए, कल कारखाने बहुत मतलब पिछले कितने सालों में नए कल कारखाने नहीं लगे थे, लेकिन अब धीरे धीरे उसमें सुधार हो रहा है और आगे बहुत अच्छा होगा। वो तो सही बात है कि एक अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता है, पर अन्य सवाल पे आएंगे, क्या चुनाव 19 में महाराजगंज से क्या स्थितियाँ परिस्थितियाँ है, कौन से उम्मीदवार आपके पार्टी के हो सकते हैं, रणधीर सिंह होंगे या अन्य कोई लोग होंगे? निश्चित रूप से रणधीर भैया है और हम लोग उनके पीछे एकदम चट्टान की तरह खड़े हैं। बात मीडिया में चल रही है, जैसे सूत्रों के हवाले से मालूम चला है, कहीं ना कहीं जातीय जनगणना के बाद काफ़ी सारे समीकरण बदले हैं, तो नारायण से महाराजगंज चुके जो पूर्व विधायक हैं उनको टिकट मिल सकता है महागठबंधन से? देखिए, अगर मिलेगा पार्टी, वो पार्टी का निर्णय, उतना बड़ा निर्णय तो हम लोग करेंगे नहीं, हम लोग तो छोटे से कार्यकर्ता हैं, लेकिन पार्टी जो निर्णय लेगी उसके साथ हम लोग रहेंगे, हम जिस पार्टी के सिपाही हैं उसके साथ रहेंगे। देखिए, जनगणना के बाद अभी कोई चुनाव हुआ नहीं है, और पता चल जाएगा 24 में, और इसके अच्छे परिणाम आएंगे,
हम तो चाह रहे हैं कि हाँ जातीय जनगणना के हिसाब से अगर जनगणना कराए हैं मुख्यमंत्री जी ने तो उसमें वैसे भी लोगों को प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा जो आज तक बाहर थे राजनीति से, तो वो जब आएंगे तो कुछ ना कुछ अच्छा होगा, अपने देश के लिए अपने समाज के लिए अच्छा करेंगे, तो अच्छा चीज़ है। आपके जो जिला अध्यक्ष हैं सिवान के विपिन कुशवाहा जी, नया दायित्व दिया गया था तेजस्वी यादव के तरफ से, तो क्या कहना चाहिए बधाई के तौर पे, कैसा काम करना है आपके अनुसार? नहीं, पार्टी ने उनको जिला अध्यक्ष बनाया है, अपना कार्य कर रहे हैं और अच्छे तरीके से कर रहे हैं, उसमें हमको कोई टिप्पणी नहीं करना है। अभी वरुण सिंह जी आप किस दायित्व में हैं, आरजेडी में हैं तो पार्टी में किस दायित्व में हैं? हम एक छोटे से कार्यकर्ता हैं, इसी पद पर नहीं है। पद पर रहना अगर मान लीजिए जरूरी है तो जो पद चाहिए वो जनता ने दे रखा है, आपके सामने है। हम चुनाव लड़े थे, एक छोटा सा चुनाव लड़े थे, पूरे बिहार में सबसे ज़्यादा वोटों से हमको लोगों ने जिताया और उनका ही अभी कर्जा हम लोग चुका रहे हैं और इस जन्म में चुक जाए वही बहुत ज़्यादा है कि हमको जिस प्यार से जिस उम्मीद से लोगों ने हमको वोट दिया अगर उनका कार्य हम कर पाते हैं, उनके उम्मीदों पर खड़ा उतर पाते हैं, यही हमारे लिए सबसे बड़ी बात है। अरे हमको एक प्लेटफॉर्म ऑलरेडी मिल गया है और इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला है, फाइनेंशियली डैमेज कर दिया गया आपको ना, मैं तो पैसा होता है चुनाव में। अरे नहीं भाई, पैसा से ही नेता बनना होता तो सभी पैसे वाले लोग ही एमपी एमएलए होते, और रही तैयारी की बात तो किसी भी चीज़ की अगर हम तैयारी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हाँ, क्योंकि हम लोग जब तैयारी करते हैं तो इस हिसाब से करते हैं कि आपको पता लग ही जाएगा कि हाँ तैयारी कर, मेहनत इतनी खामोशी से करोगे सफलता शोर मचा दे। हाँ बस वो भी एक सही बात है। विपक्षी दलों को नेता के लिए क्या कहेगा, चुनाव के आगे में चल रहा है, जिसको जो जिम्मेवारी मिली है जी जी। वो अगर सही से नहीं निभा पाता है तो जनता के हाथ में पावर है, उसको तुरंत हटा देगी सत्ता से। 5 साल का ये है, 5 साल के बाद तो फिर आपको उन्हीं जनता के पास जाना है जिसके पास आप हाथ पैर जोड़ के गए होंगे कि भाई हमको इस पद पर बिठाइए, हमें अच्छा कार्य करके देंगे। अगर नहीं किए हैं तो निश्चित रूप से जनता उसका जवाब देगी।